जय श्री कृष्णा। आज हम गीता जाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में दिनांक 4/9/2020 को क्लास दिनांक आयत का राजनीति विज्ञान का खंड प्रथम पुस्तक जिसमें अध्याय पहला है राजनीतिक सहभागिता। परसों हमने इसकी विवेचना की थी, लेकिन अब इसको सारांश के रूप में हम ये समझना है कि सबसे पहले तो राजनीतिक सामाजिकरण एक समाज शास्त्रीय अवधारणा या संकल्पना है। क्या है? संकल्पना। अब ये क्या है? तो दूसरी है समाजवादी जनता और राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। अर्थात एक चलने वाली, निरंतर चलने वाली एक क्रिया है जिससे व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। क्या करता है वह? राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। किसमें करता है? संस्कृति में प्रवेश करता है। क्या है? राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। फिर वो राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करके क्या करेगा? वह समाज के मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को स्वीकार करेगा। क्या करेगा? स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। राजनीतिक एक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की क्या, व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति के बारे में कुछ मुख्य विद्वान थे, उनकी क्या राय है, उनकी क्या राय है। तो सबसे पहला है हर्बर्ट साइमन। कौन है? हर्बर्ट साइमन। इसकी क्या है? इसने कहा कि राजनीतिक क्या है? राजनीतिक समाजीकरण जो संपूर्ण ज्ञान की क्या है? जो संपूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। संपूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया है। एक तो पूरी प्रक्रिया जिसमें यह बोध होता है। किसको? इसमें व्यक्ति को बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। क्या होता है? बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में उसको राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित ज्ञान क्या? ज्ञान प्राप्त होता है। अब किन किन बातों का ज्ञान प्राप्त होता है? तो उसमें राजनीतिक घटनाओं का
इसका राजनीति की नीतियों का, इसका पॉलिसी का, राजनीतिक नीतियों का और राजनीतिक आवश्यकताओं का, क्या आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये है जो हर्बर्ट साइमन के राजनीतिक सामाजिकरण से संबंधित विचार है। दूसरा जो हमारा है वो दूसरा व्यक्ति है, वो कौन है राजनीति से संबंधित दूसरा जो व्यक्ति है वो कामनाध्य है। कौन है? कामनाध्य। क्या है? कामनाध्य, जो राजनीति से संबंधित समाजीकरण से संबंधित है। इसका भी वही है कि राजनीति समाजीकरण वह शब्द है। क्या है? वह शब्द है, वह शब्द है जिसमें उस प्रक्रियाओं का, वह शब्द है जिसमें उस प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, वर्णन करता है, वर्णन करता है कि जिसमें राजनीति से संबंधित राजनैतिक व्यवस्था से संबंधित ज्ञान, क्या संबंधित ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। ये है जो कावाजात की परिभाषा है, उसके अपने विचार। तीसरा जो व्यक्ति था राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित वो आपके पुस्तक के अनुसार है आमंड एंड पावेल। आमंड व पावेल जो राजनीति से संबंधित है वो है आमंड व पावेल। अब इसका भी वही विचार है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है। क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें, क्या है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति या जिसके माध्यम से, जिसमें व्यक्ति या जिसके माध्यम से वह राजनीतिक, क्या राजनीतिक संस्कृति, क्या संस्कृति में प्रवेश करता है। क्या है? प्रवेश करता है। क्या करता है? राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। ये आमंड एंड पावेल का राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित विचार है। अब इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला तो इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का ज्ञान देना या शिक्षा देना। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकसित करना। क्या करना? विकसित करना। क्या करना है? राजनीतिक व्यवस्थाओं का ज्ञान और शिक्षा देना और राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकसित करना, जिससे क्या होगा, इन दोनों चीजों के होने से क्या होगा, तो इनसे यह होगा कि हमारे जो दुनिया में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या चल रही हैं, व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वह सुचारू रहेगी। क्या रहेगी? सुचारू रूप से संचालित होगी। यानी ये सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा, नए ट्रेंड लोग आते रहेंगे सीखकर और वो प्रक्रिया चलता रहेगा। अगला सबका मैटर है इससे संबंधित, वो क्या है? पहला मैटर है जिसमें आपको ये काम दिया गया है वो है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित कैसे होती है। क्या है? राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया संचालित कैसे होती है, प्रक्रिया संचालित कैसे होती है। ठीक है, तो राजनीतिक वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है वो संचालित सबसे पहले तो परिवार द्वारा होती है। क्या होती है? परिवार द्वारा होती है। कैसे होती है? परिवार का जो मुखिया होता है, क्या होता है, परिवार का जो मुखिया है या वरिष्ठ लोग हैं, क्या है, वरिष्ठ लोग हैं, वो जिस विचारधारा के होंगे, क्या होंगे, जिस विचारधारा के होंगे
वह बालक भी वही सीखेगा, क्या होगा, बालक भी वही सीखेगा, क्या होगा, सीखेगा। सीधी सी बात है, परिवार का जैसा बैकग्राउंड होगा बच्चा राजनीति से संबंधित वही चीज सीखेगा। दूसरा जो सिस्टम है वो है शिक्षण संस्थाएं, क्या है, शिक्षण संस्थाएं, क्या है, संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में क्या है, शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण का शिक्षण होता है, क्या होता है, शिक्षण होता है। किन किन माध्यम से, मित्र मंडली, क्या, मित्र मंडली, फ्रेंड ग्रुप, उसमें बच्चे अपने अपने राजनीतिक दलों से संबंधित विचार करते हैं। पाठ्यक्रम होता है, क्या होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, पाठ्यक्रम में भी कुछ विचारधाराओं को जगह दी होती है। फिर उसके शिक्षकों का, क्या, शिक्षकों का राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है, क्या होता है, दृष्टिकोण भी होता है, उससे बालक सीखता है। फिर तीसरा किससे सीखता है, राजनीतिक दलों से, इससे राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, उनकी विचारधाराएं होती है, क्या होती है, विचारधाराएं और कार्यक्रम होते हैं, क्या होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनसे बालक सीखता है। हमारे चौथा है राष्ट्र के प्रति, क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक, जितने भी हमारे राष्ट्र को प्रतीक हैं, जिससे हमारे नागरिक प्रेरित होते हैं, वो प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं उनकी अहम भूमिका होती है, क्या होती है, अहम भूमिका होती है, भूमिका होती है। जनसंचार, वर्तमान समय में जनसंचार, संचार के साधन, संचार के साधन मास मीडिया से भी राजनीतिक जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है, क्या है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हमें ये स्पष्ट हो गया है, क्या हो गया है, हमें वस्तुतः स्पष्ट हो गया है, क्या हो गया है, स्पष्ट या स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक समाजीकरण, क्या है, राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती है, क्या चलती है, व्यवस्थाएं चलती है, क्या है, राजनीतिक समाजीकरण की वजह से राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती है, और इसी वजह से राजनीतिक और जिससे, क्या है, जिससे राजनैतिक संस्कृति, क्या, संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण, क्या है, निर्धारण होता है। ये आपका इस पाठ का सारांश है, कल हम इसके